प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल पिता के साये से वंचित 10 साल के बच्चे ने अपनी मां का साया भी अब खो दिया है। महज 10 साल के इस बच्चे ने खुद अपनी मां के अंगों को दान करने का निर्णय लिया है। साथ ही बच्चे ने पेशे से वकील अपने चाचा से एक आश्चर्यचकित करने वाली इच्छा भी जताई और मां के अंगों की राख से पौधे भी लगाए और कहा कि उनकी छाया में बैठकर अपनी मां को महसूस करूंगा। उस बच्चे को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ऐसे भी मां के सपूत पैदा हो रहे हैं, जिसने मां के देहांत के समय जब डॉक्टर्स ने उससे पूछा कि मां का ब्रेन डेड हो गया हम क्या करें, तो उसने निर्णय लिया कि हम अंगदान करेंगे। सोचिए 10 साल का बच्चा जिसको हम अबोध बोलेंगे वो ऐसे निर्णय ले रहा है। जितने भी अंगों का दान हो सका बहुत अच्छा रहा, लेकिन आज जब उसकी मां शांत हो चुकी है, उसकी राख को लेकर उसने सोचा कि उसकी राख को भी हम किसी न किसी पेड़ में लगाएं और पेड़ जब बड़ा होगा तो उसकी छाओं में मैं अपने माँ की गोद का अनुभव करूंगा। ऐसे मयंक को मैं मयंक मेरे लिए दूसरा नहीं तीसरा बेटा है। मेरे दो नहीं है, एक तरह से अब तीन बेटे हैं पूरी तरह से। अभी तक तो माँ का साया था तो एक माँ के साये में रहता था, अब मुझे मेरे घर में उसको माता और पिता दोनों का साया देना है, ये जवाबदारी हमारी है। जैसे हम पेड़ लगाते हैं, जैसे किसी का जीवन नहीं बच पाया तो अगर हम पेड़ लगा के, जैसे अभी हमने आम का पेड़ लगाया, तुलसी का लगाया, जैसे तुलसी और नीम से मेडिसिन बनती है, आम से मतलब लोगों को छाया मिल सकती है पेड़ से, तो मतलब किसी को और एक की वजह से किसी को दिक्कत ना हो इस बात के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मेरी मामा है उनकी जो अंगदान किया है उससे मम्मी की जिंदगी नहीं बच पाई तो किसी और की तो जिंदगी बच सकेगी, किसी की तो जिंदगी बच सकेगी ना। माँ के सब अंग दान नहीं हो सके तो क्या हुआ, चिता की राख से पेड़ लगाऊंगा और उस पेड़ की छाया में मैं माँ के साथ जीवन बिताऊंगा, ये कहना है मयंक का। मयंक की माँ का आज से कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गया। मयंक के पिता भी उसे छोड़कर चले गए, लेकिन मयंक के मन में एक ऐसी बात आई जिसने सबको एक जागृति फैला दी कि आने वाले दिनों में सब लोग अंगदान के लिए आगे आए और किसी की जिंदगी में रोशनी डाल सके। कैमरामैन मनोज बंसल के साथ रवि नाथानी, सहारा समय, भोपाल।